टीवी पर कपिल शर्मा सालों से राज कर रहे हैं। उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और अब वह बॉलीवुड एक्टर भी बन चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सालों पहले का मजेदार किस्सा अपने फैंस के साथ शेयर किया है। कपिल ने बताया कि एक बार वो शराब पीकर अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंच गए थे। इंटरव्यू के दौरान कपिल शर्मा ने कई मजेदार किस्सों का जिक्र किया। एक किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक बार वो शराब पीकर अमिताभ बच्चन के घर पहुंच गए थे। कॉमेडियन ने बताया, जब फिरंगी रिलीज होने वाली थी तब अमिताभ बच्चन फिल्म के लिए वॉयस ओवर कर रहे थे। उन्हें उस स्टूडियो में जाना था जहां डबिंग चल रही थी। मैं गिन्नी के साथ स्टूडियो गया था। सुबह के 8 बज रहे थे और मैंने पहले से ही 2 पैक पी लिए थे। अमिताभ बच्चन ने फिरंगी का वॉयस ओवर खत्म कर लिया था और अपनी फिल्म के लिए डबिंग कर रहे थे। नशे में मैंने अमिताभ बच्चन से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनके स्टाफ ने मिलने की इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद मैं जिद पर अड़ा रहा कि मुझे उनसे मिलना है। कपिल ने आगे कहा, मैंने गिन्नी को उनकी बहू के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। अमिताभ बच्चन इससे काफी शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि वह गिन्नी को नहीं जानते थे और ना ही पहले कभी उनसे मिले थे। हालांकि बाद में कपिल ने उनसे माफी मांग ली और जवाब में अमिताभ बच्चन ने उन्हें लिखा, जीवन एक संघर्ष है, जीवन चुनौतियों का दूसरा नाम है।